गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपनी नई कन्वर्सेशन, और इस कन्वर्सेशन का नाम क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन, यानी कि हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है कि हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट हो चुके हैं, तो देखते हैं कन्वर्सेशन पूरी डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। वाइफ कहती है, हाय डियर, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे? यानी कि वाइफ ने कहा, क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? तो हस्बैंड ने कहा, ऑफ कोर्स माय डियर, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हो गया है? तो वाइफ कहती है, गेट अप देन, इट इज 8:30 AM, यानी कि जल्दी उठो, 8:30 बज चुके हैं। तो हस्बैंड कहते हैं, ओ नो, वाइफ कहती है, हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द बस, यानी कि तुम अपनी बस मिस कर दोगे, बस छूट जाएगी। तो हस्बैंड कहते हैं, यानी कि पति, ओके डियर, कीप माई ब्रेकफास्ट एंड द टिफिन रेडी, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। वो कहता है कि मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर दो और मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो, मैं 15 मिनट में तैयार होकर आता हूं। आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट बाद क्या होता है, हस्बैंड पूछता है, माय ब्रेकफास्ट डियर, यानी कि क्या मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, ठीक है। वाइफ कहती है, इट इज ऑन द डाइनिंग टेबल, यानी कि डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, एंड दिस इज योर लंच, और ये तुम्हारा लंच है। लिसन, डोंट फॉरगेट टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना मत भूलना, यानी कि बिजली का बिल। तो हस्बैंड कहते हैं, ओके आई विल डू दैट, थैंक यू, यानी कि हाँ मैं कर दूंगा, आई हैव टू रश नाउ, बाय, यानी कि वो फिर कहते हैं, मुझे जल्दी निकलना है, ओके बाय। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्सेशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो आप इसे सुन सकते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर, इसे बोल सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्लीज आप ऐसे ही सीखते रहें। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।